हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 26 दिसंबर 2022। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज। द फर्स्ट न्यूज इज रेडी टू वर्क विद इंडिया फॉर सेफ फॉर स्टेडी ग्रोथ ऑफ टाइज सेज चाइना। तो यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। नाउ सी, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ही हैज सेड ऑन संडे दैट चाइना वॉज रेडी टू वर्क विद इंडिया for the steady and sound growth of bilateral ties, and the two countries were committed to upholding stability in the border areas where tensions had prevailed since 2020. ठीक है, एक स्टेटमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो इससे है कि रिसेंटली अभी 17th राउंड ऑफ टॉक जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में कंक्लूड हुआ, 17th राउंड ऑफ टॉक। ठीक है, ये चुशुल मोल्डो सेक्टर में हुआ था ऑन द चाइनीज साइड, एंड दिस 17th राउंड ऑफ टॉक इटसेल्फ वाज फॉलोड बाय यू कैन से मिलिट्री काउंटर इन यांगसे इन तवांग रीजन। यहाँ पे पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच में स्किर्मिश हो गया था यांगसे में, तवांग इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि जो LAC है उसको हम वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर में बांटते हैं। तो ये जो गालवान वैली का जो क्लैश हुआ था 2020 वो वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था, और ये जो तवांग का हुआ है वो ईस्टर्न सेक्टर में हुआ है। सो आफ्टर दिस थिंग नाउ द स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप देखेंगे कि इंडिया चाइना का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री, ये एक मैकेनिज्म है रिजॉल्विंग द इश्यूज रिलेटेड टू LAC। सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, और चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग यी। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ड्रामा इन नेपाल इन रिबिटिंग पॉलिटिकल ड्रामा प्रचंडा नेम्ड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे नेपाल की जो प्रेसिडेंट है, पहले उनका नाम आप देख लीजिए, विद्या देवी भंडारी, नाउ शी हैज अपॉइंटेड पुष्प कमल दहल। ही इज पॉपुलरली नोन एज प्रचंड, ही बिलोंग्स टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनको सपोर्ट कौन कौन से पार्टी का है, तो मिस्टर प्रचंडा एंड हिज CPN मॉइस सेंटर, दे हैव द सपोर्ट ऑफ 169 इलेक्टेड मेंबर्स इन द प्रतिनिधि सभा विच इज द लोअर हाउस। नाउ इट इसमें कौन कौन है पार्टीज, सो यू कैन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP लेड बाय रवि लमिच्छने, देन द प्रो मोनार्ची राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, देन द नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, द जनता समाजवादी पार्टी ऑफ मधेशी लीडर उपेंद्र यादव, एंड जनमत पार्टी ऑफ फॉर्मर सेशनिस्ट लीडर CK राव। तो अब इनके अपॉइंटमेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बधाई दी है। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे एक चीज जो मैंशनड है पुष्प कमल दहल के बारे में, दैट इज प्रचंडा, दैट ही विल बी द थर्ड टाइम दैट द फॉर्मर मॉइस्ट रेबल विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल। ही हैज अर्लियर सर्व इन 2008-2009, ओके, एंड देन इन 2015-2016 ड्यूरिंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेड इन नेपाल ड्यूरिंग द मधेशी एजिटेशन। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे RSP पार्टी, ठीक है, दैट इज राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, तो यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द पार्टी, ओके, विच हैज़ क्रिटिसाइज इंडिया फॉर बिल्डिंग एंड एम्बार्कमेंट अलॉन्ग द महाकाली रिवर एट धारूलाचा ला। द नेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यूज़ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन रेलवे ने एक स्कीम लॉन्च किया है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सो हियर द फोकस विल बी ऑन मॉडर्नाइजिंग द स्मॉल स्टेशंस अंडर दिस स्कीम। द नेक्स्ट इज द एमर्जिंग ओमिक्रॉन सबलिनेज। तो जैसा कि हम ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द वेरियंट ऑफ कंसर्न, ये जो होता है वेरियंट ऑफ कंसर्न, इट हैज़ बीन लेबल्ड बाई द वेरियंट ऑफ कंसर्न, दिस लेबल हैज़ बीन गिवन बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि पहले चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी चल रही थी, फिर उसके अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट के बाद ये इसको रिलैक्स किया गया, बट फिर से चाइना इज विटनेसिंग द सर्ज इन केसेस ओवर हियर अगेन। दीज आर द ओमिक्रॉन सबलिनेजेस विच आर कॉजिंग द सर्ज इन COVID-19 केसेस। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है इस आर्टिकल में। सो वी कैन सी दैट जीनोम सिक्वेंसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये, जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब हम उसका DNA चेक करते हैं, वो वेरियंट में क्या म्यूटेशन आया है वो हम
चेक करते हैं, फिर वो जो म्यूटेशन आया है विल इट कॉज मोर सीवियरिटी ऑफ डिजीज और वेरी रैपिड ट्रांसमिशन, क्या उसका करेक्टरिस्टिक है, दैट इज डन अंडर जीनोम सिक्वेंसिंग एंड ऑल दिस डेटा ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग इट इज कैप्ट विद GCR. नाउ चाइना से टोटल जो है 30 सिक्वेंसेज अवेलेबल हैं GCR के पास, उसमें से जो 14 हैं दीज आर रिलेटेड टू ओमिक्रॉन सबलिनेजेस. उसके बाद जो चाइना के जो 14 ओमिक्रॉन सबलिनेजेस हैं, टू जीनोम्स ईच बिलोंग टू ओमिक्रॉन सबलिनेज ऑफ BF.7, BF.5 एंड BA.2.75. उसके बाद कुछ जीनोम्स जो हैं दे बिलोंग टू रिकॉम्बिनेंट लीनेज XBB. फाइन, अब ये जो XBB है ये रिकॉम्बिनेंट लीनेज है, ठीक है. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो दिसंबर 2021 में जो वेरिएंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बन गया था वो था BA.2.75. उसके बाद जो XBB है इट वाज डिटेक्टेड इन अर्ली 2021 इन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया एंड सिंगापुर. अब हम अगर XBB की अगर बात करें तो XBB जो लीनेज है ये रिकॉम्बिनेंट है दो वेरिएंट का, दैट इज BA.2.75. तो BA.2.75 ये आप कनेक्ट कर सकते हैं दैट इट वाज द डोमिनेंट वेरिएंट इन दिसंबर 2021 व्हिच इज कॉल्ड एज थर्ड वेव एंड द नेक्स्ट इज BA.2.10.1. फाइन, नाउ दिस लीनेज इट वाज लार्जली डिटेक्टेड इन जीनोम्स फ्रॉम सिंगापुर एंड इंडिया एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीनोम्स ऑन GCR बिलोंग्स टू US एंड इंडिया एंड इट इज नाउ डिटेक्टेड इन 30 कंट्रीज. उसके बाद अगर हम BA.5 की अगर बात करें तो इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन नवंबर 2021. ओके, एंड इट्स सर्टन लीनेजेस हैव अंडरगॉन म्यूटेशंस. देन इट इंक्लूड्स BF.7, BF.14, BQ.1 लीनेजेस, ओके, विच हैव एमर्ज्ड ओवर द मंथ्स. उसके बाद अगर हम बात करें BQ.1 विच इज अ सब लीनेज ऑफ BA.5 दैट इट हैज द म्यूटेशंस K440 एंड N460K in the spike protein of the virus. So they account for, that is BA.5, BQ.1, they account for 5% of the global cases. Now the next is dark patterns. So ye dark patterns kya hota hai? So friends, ek example se main aapko bata sakta hu. For example, if you open the YouTube, theek hai, jaise hi aapne video on kiya, to aapko kabhi kabhi wo YouTube premium ke baare mein batata hai, theek hai. और उस YouTube प्रीमियम को कैंसिल करने के बाद ही आपकी वीडियो स्टार्ट होती है. फाइन, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डार्क पैटर्न्स. गॉट इट? सो सम इंटरनेट बेस्ड फर्म्स दे हैव बीन ट्रिकिंग यूजर्स इनटू एग्रीइंग टू सर्टेन कंडीशंस और क्लिकिंग अ फ्यू लिंक्स. ओके, अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो YouTube प्रीमियम अगर मेरे विंडो में या मेरे YouTube में पॉपअप ना हो तो मैं उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बट एज अ यूज़र मुझे बार बार वो मेरे सामने वो लिंक आएगा, ठीक है. और आप कह सकते हैं कि एक तरीके का मतलब फोर्स किया जाता है कि भाई आप इसको एक्सेप्ट करो या इस लिंक पे आप क्लिक करो. ओके, तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स आर नोन एज डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स. तो डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स जो हैं दे डेलिबरेटली मेक आवर इंटरनेट एक्सपीरियंस वेरी हार्डर और इवन दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द यूजर्स. सो यहाँ पे डार्क पैटर्न्स जो है दे एंडेंजर द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स एंड मेक देम मोर वल्नरेबल टू फाइनेंशियल एंड डेटा एक्सप्लॉइटेशन बाय बिग टेक फर्म्स. तो जो डार्क पैटर्न्स हैं दे कंफ्यूज यूजर्स, इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ऑब्स्टेकल्स, मेक सिंपल टास्क टाइम कंज्यूमिंग, दे हैव यूजर्स साइन अप फॉर अनवॉन्टेड सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड फोर्स देम टू पे मोर मनी और शेयर मोर पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट दे इंटेंडेड, ठीक है. उसके बाद अगर आप US का देखेंगे, फेडरल ट्रेड कमीशन दे हैव टेकन द नोट ऑफ डार्क पैटर्न्स एंड दे रिस्क दे पोस्ट. द नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक्चुअली एक बुक की बात करेंगे जो AS दुलत ने लिखी है. ये बुक, वो पहले रॉ चीफ थे. ये बुक का नाम है अ लाइफ इन द शेडोज. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हु हैज ऑथर्ड द बुक अ लाइफ इन द शेडोज. सो इट हैज बीन रिटन बाय अ फॉर्मर रॉ चीफ A.S. Dulat. So here he is describing an incident where he had a talk with former Bhutan's king Jigme Singye Wangchuk. So Jigme Singye Wangchuk, he abdicated the throne in 2015 in favor of his son King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. So here they are talking about the China-Bhutan boundary issue and Doklam standoff in 2017. तो अगर आप जैसे कि हमने अभी फ्रंट पेज पे देखिए स्पेशल प्रेजेंटेटिव मीटिंग ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर किया था, तो अब यहाँ पे ऐसा ही कुछ भूटान के साथ भी है जो 1984 से चलता आ रहा है. सो सिंस 1984 भूटान एंड चाइना दे हैव हेल्ड 24 राउंड्स ऑफ टॉक्स लार्जली फोकस्ड ऑन स्वैपिंग टू सेपरेट एरियाज ऑफ डिस्प्यूट. मतलब कि भूटान और चाइना के बीच में दो डिस्प्यूटेड एरिया है. तो अब ये जो
चाइना का फोकस क्या है कि लेट्स स्वैप द टेरिटरी, मतलब डोकलाम है और एक है जाकार्लुंग और पासामलुंग वैली। सो यहाँ पे द टॉक फोकस इज ऑन स्वैपिंग अप द टेरिटरी, ठीक है। अब ये डोकलाम जो है इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन थ्री कंट्रीज एक्चुअली, दैट इज इंडिया, चाइना एंड भूटान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी विच लेड टू स्टैंड ऑफ इन 2017 बिटवीन दिस टू प्लेसेस। नाउ चाइना हैज इंक्रीज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया, इट इज बिल्डिंग मॉडल विलेज ऑन द ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ डोकलाम प्लेटू। द नेक्स्ट इज जस्टिस डिपार्टमेंट सेज रेजिंग जजेस रिटायरमेंट एज में बेनिफिट नॉन परफॉर्मर्स। तो यहाँ पे जस्टिस डिपार्टमेंट जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, दे आर सेइंग दैट इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कुड एक्सटेंड द ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग जजेस एंड इट माइट हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये ऐसा जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी का रिटायरमेंट एज कितना है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं दे रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड हाई कोर्ट जजेस दे रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स, ठीक है। नाउ देर वॉज 114th अमेंडमेंट बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2010। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस का तो एज बढ़ाने की बात नहीं थी, बट ये था कि हाई कोर्ट जजेस के एज को 65 ईयर्स कर दिया जाए, ठीक है ना। बट इट वॉज नॉट टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन पार्लियामेंट एंड इट लैप्स्ड विद द डिसॉल्यूशन ऑफ द 15th लोकसभा। नाउ व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स इफ द हाई कोर्ट जजेस का जो रिटायरमेंट एज है अगर उसको 65 कर दिया जाए तो, ओके। सो यू कैन सी, एक तो ये है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है दैट नॉन डिजर्विंग जजेस, नॉन डिजर्विंग केसेस एंड इट लीड टू नॉन परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग जजेस टू कंटिन्यू, एक तो ये बोला गया है। दूसरा क्या है दैट इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज मे डिप्राइव ट्राइब्यूनल्स टू हैविंग रिटायर्ड जजेस एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और एज द जुडिशियल मेंबर्स, दैट इज द सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू द फॉरेन पेज। मिलियंस इन यूएस हंकर डाउन फ्रॉम डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म, ठीक है ना। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड इज अ टाइप ऑफ स्नो स्टॉर्म, ठीक है। तो ये ठंडियों में होता है यूएस के कॉन्टिनेंटल एरिया में, ठीक है। एंड इट कॉजेज इज अ वेरी ग्रेट क्लाइमेटिक हजार्ड इन द यूएसए। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, ओके। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, इसके वजह से ये होता है। वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट की मिक्सिंग की वजह से ब्लिजार्ड होता है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे बहुत सारे जेट स्ट्रीम्स होते हैं जो अर्थ को के ऊपर फ्लो करते हैं, ठीक है। सो द सम ऑफ द जेट स्ट्रीम्स दे माइग्रेट साउथवर्ड ड्यूरिंग द विंटर, ओके, एंड विच कॉजेस ब्लिजार्ड। सो ये जो ब्लिजार्ड की स्पीड अगर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, इट इज कॉल्ड एज मॉन्स्टर स्टॉर्म। द नेक्स्ट इज फोर फॉरेन एनजीओ स्टॉप वर्क इन अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान बैन ऑन वुमेन स्टाफ। तो यहाँ पे फोर मेजर इंटरनेशनल एड ग्रुप जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, लाइक सेव द चिल्ड्रन, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी, द नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल एंड कैर, दे कैन नॉट इफेक्टिवली रीच चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन इन डिस्परेट नीड इन अफगानिस्तान विदाउट द वुमेन इन देयर वर्क फोर्स। अब हम आते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ, अ वेलकम मूव। तो ये हमने शनिवार को भी ये न्यूज़ पढ़ा था, दैट इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ये जो स्कीम है ये अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था, अब ये दिसंबर 31st 2022 को ये स्कीम ख़त्म हो जाएगा। इस स्कीम के अंदर क्या था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं उनको एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन्स इस स्कीम के अंदर दिया जाता था, एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन्स, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अ स्कीम दैट रैन बिटवीन अप्रैल 2020 टू दिसंबर 2022 एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन बिटवीन एंड, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 5 kg एडिशनल फूड ग्रेन्स दिया जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अन्न योजना और एक होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो अब गवर्नमेंट जो है वो अंत्योदय अन्न योजना को 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री में देगी और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को जो 5 kg फूड ग्रेन्स मिलता है वो भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें गरीब कल्याण अन्न योजना की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्योंकि फ्री कर दिया है एंटाइटलमेंट्स 35 kg और 5 kg, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था
पहले था कि कोरस सीरियल्स 1 रुपये में, वीट 2 रुपये में, राइस 3 रुपये में मिलता था, बट अब ये पैसा नहीं लिया जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज। ओके, एंड यहाँ पे ये है कि अंत्योदय योजना को 35 kg का फ्री फूड ग्रेन मिलता है और प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को 5 kg का मिलता है। देन व्हाट विल बी द एडिशनल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ दिस, दैट विल बी ₹2 लाख करोड़। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइन, अब ये स्कीम को इस तरीके से क्यों रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इट इज स्टिल सीइंग द रिवाइवल, ठीक है? फाइन, रिवाइवल की तरफ है इकोनॉमी, जो है अभी भी रिवाइव ही कर रही है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी इतने ठीक नहीं है, तो वेलफेयर स्कीम के थ्रू पीपल को सपोर्ट करना इस वक्त, सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड विद दिस स्कीम। नाउ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में एक चीज़ और होना चाहिए कि ये स्कीम एंड हो जाएगी December 31, 2022 के बाद। तो इसको अभी तक कितनी बार एक्सटेंड किया गया? सो इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 7 टाइम्स। ओके, इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 7 टाइम्स। ओके, द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल 200, ठीक है? आर्टिकल 200, तो आर्टिकल 200 में क्या है, दैट आर्टिकल 200, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइमलाइन फॉर द गवर्नर टू प्रोवाइड एसेंट टू बिल्स सेंट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये एक जो चीज़ है, इसने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है इंडियन पॉलिटी में, कि जहाँ पे अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग नाउ, द गवर्नर्स दे आर सिटिंग ऑन दिस बिल, दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एसेंट और दे हैव रिजर्व दिस बिल फॉर द प्रेसिडेंट। वो कौन से आर्टिकल में किया जाता है? आर्टिकल 201 के अंडर किया जाता है, पर यहाँ पे भी कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है? फाइन, सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे बिल्स हैं, लाइक तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022, देन केरला लोक आयुक्त बिल 2022, ओके, दिस बिल्स हैव दे हैव नॉट रिसीव देयर एसेंट। ओके, द सेकेंड इज कि तमिलनाडु ने एक और बिल पास किया है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिशन बिल, ओके, विच हैज बीन रेफर टू द प्रेसिडेंट इन May 2022, बट सिंस आर्टिकल 201 में कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अभी तक ये बिल पे भी कोई एसेंट नहीं हुआ है। ओके, सो द मेन रीजन इज कि यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है, ठीक? ओके, अब इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे एक जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमिटी थी, ओके, इन दिस कंसल्टेशन पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज स्टेटेड दैट इफ द गवर्नर विदहोल्ड्स एसेंट टू अ बिल इनडेफिनेटली, देन इट इज नॉट कंड्यूसिव विद द डिकोरस रिगार्ड ऑफ गवर्नर। तो मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं उसके हिसाब से ये नहीं होगा। उसके बाद एक कमीशन है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज सेटअप बाई AP अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000। सो इट हैज रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ टाइम लिमिट, अ पीरियड ऑफ 6 मंथ विद इन विच द गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन वेदर टू गिव एसेंट और टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, फाइन, देन सरकारिया कमीशन, दैट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सो इट हैज सजेस्टेड दैट डिले फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नर इन ग्रांटिंग एसेंट कैन बी अवॉइडेड बाई स्ट्रीम लाइनिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स एंड बाई मेकिंग प्रायर कंसल्टेशन विद द गवर्नर एट द स्टेज ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इटसेल्फ। तो इन्होंने कहा था कि एक तरीका ये हो सकता है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करना चाहती है तो एक बार ओके, तो गवर्नर के साथ कंसल्ट करना मैंडेटरी हो। फाइन, उसके बाद इसी से एक मिलता जुलता काम मिलता जुलता चीज़ है, दैट इज एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन में क्या होता है कि इट इज़ अ स्पीकर हु डिसाइड्स ऑन द एंटी डिफेक्शन। तो एक केस है, दैट इज कॉल्ड एज केशम मेघा चंद्र सिंह वर्सेज ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। द सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था दैट स्पीकर मस्ट एक्ट ऑन दिस क्वालिफिकेशन पेटिशन अगेंस्ट द डिफेक्टिंग MLAs विद इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया था कि रीजनेबल टाइम का मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स होता है। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.